आज मैं बताऊंगी 40 साइज के लिए सादा ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा अस्तर ही हमारा मेन कपड़ा है, तो मैं आपको अस्तर पे कटिंग बताऊंगी। तो बहुत लोग की ये प्रॉब्लम आती है कि वो कम चेस्ट की ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं लेकिन हैवी चेस्ट की ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं हैवी चेस्ट की ब्लाउज की कटिंग बताऊँगी, और साथ ही साथ अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो मैं नाप लेना भी बताऊँगी। तो ये मैंने अस्तर को खोल के डबल फोल्ड कर लिया है, जैसे कि हम हर साइज़ की ब्लाउज के लिए करते हैं। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हम नाप वाली ब्लाउज को लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि चेस्ट का चौथाई भाग क्या होता है या फिर चेस्ट का नाप कैसे लिया जाता है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं हर वीडियो में जो नाप वाली ब्लाउज को मैं सीधे साइड से नाप लेना बताती हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में नाप वाली ब्लाउज को उल्टे साइड से नाप लेना बताऊंगी, जो कि बहुत ही सही तरीका है नाप लेने का, और जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने खोल लिया है, उल्टा कर लिया नाप वाली ब्लाउज को। तो देखिए ये हमारा ऐसे, जैसे ये हमारा आगे वाले पार्ट में दो पल्ले हैं और पीछे का एक है, तो जैसे देखिए ये हमारा आगे का टोटल जो चेस्ट है वो है 20 इंच, 20 आगे का 20 पीछे का, तो जो ये हो गया हमारी टोटल ब्लाउज की चेस्ट है वो 40 है। तो देखिए जहाँ से हमारी काज वाली पट्टी लगी है और जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ तक 10 है, फिर दूसरे वाले पल्ले में भी 10 होगा, तो 20 आगे का 20 पीछे का। तो यहाँ पे हम 10 ही लेंगे चेस्ट का नाप, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। आप 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो ये मैंने चेस्ट का भी नाप निशान लगा दिया है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसका भी मैंने निशान लगा दिया है। अब हम ब्लाउज के लंबाई का नाप लेंगे। तो अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और पीछे से इसका नाप ले जाता है, तो जहाँ हमारा आगे और पीछे का कंधा ज्वाइंट हुआ है वहीं से हम इंची टेप को रखेंगे। तो इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 12 इंच है, तो मैं इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। तो मैं 13.5 पे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा दूँगी। तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितनी आपकी ब्लाउज हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, वो हम सिलाई में हमारा चला जाता है। तो ये देखिए मैंने लंबाई का भी निशान लगा दिया है। अब फिर से हम नाप वाले ब्लाउज को ले लेंगे और इसके कंधे का नाप लेंगे। तो कंधे का नाप लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ से हमारा दोनों बाजू अटैच हुआ है वहाँ तक हम नाप लेंगे। तो इसका जो कंधा है वो है 12 इंच, तो हम 12 का भी आधा लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। तो देखिए 12 का आधा होता है 6 इंच, तो 6 इंच में हम कंधे का निशान लगा देंगे, और 2.5 इंच हम लेंगे गले की गहराई के लिए। तो अगर आप डीप नेक नहीं बना रहे हैं तो आप कम ही गहराई लीजिए, नहीं तो वही हमारा गला उतरने लगता है। अब हम इसका जो आर्म होल है वो लेंगे 6 इंच का, तो 6 इंच पे इसका चौकुटा निशान बना देंगे। और ये हम जो हमारा चेस्ट का फिटिंग का निशान है इसको भी हम गहरा कर देंगे। अब हम इसके पीछे वाले गले का नाप लेंगे, तो फिर से हम नाप वाली ब्लाउज को पीछे के साइड से करके इसके गले का नाप लेंगे। तो जहाँ हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हुआ है वहाँ से गले तक हम नाप लेंगे। तो इसका जो गला है वो है 8 इंच का, तो मैं यहाँ 8.5 इंच लूँगी, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 8.5 इंच पे हम एक फिर चौकुटा निशान बना देंगे। तो चौकुटा निशान इसलिए बनाया जाता है कि ताकि हम उसमें कोई भी शेप आसानी से दे सके, बाकी कोई यूज़ नहीं होता है चौकुटा निशान का। तो ये मैंने गले और आर्म होल का निशान बना दिया। अब मैं इसी के साथ आपको आगे वाले पार्ट की भी कटिंग बताऊँगी। तो देखिए पीछे वाले से आगे वाला पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले जाता है क्योंकि इसमें बेल्ट लगता है और प्लेट भी लगता है। तो ये हमारा पीछे वाला 13.5 का था, तो मैं आगे वाला 15 पे ऐसे लंबाई का निशान लगा दूंगी। देखिए मैंने 15 इंच पे आगे वाले के लिए लंबाई का निशान लगा दिया है। फिर इसका जो गला है पीछे वाले गले के यहाँ से ही हम इसका जो गला लेंगे वो लेंगे 6 इंच का। तो 6 इंच पे मैंने यहाँ भी एक चौकटा निशान बना दिया है, और जो आगे वाला आर्म होल है वो मैं लूँगी 6.5 इंच का। जैसे मैंने पीछे वाला 6 इंच का लिया था, लेकिन मैं ये 6.5 इंच का लूँगी क्योंकि जो हमारा आगे झोल आता है वो झोलना है, इसलिए हम 1/2 इंच गहरा करके लेते हैं आगे वाले में। तो ये देखिए कितना आसानी से हमने आगे और पीछे वाले पार्ट में एक ही साथ निशान लगा दिया, और कंधा में कोई चेंज नहीं आएगा, वो दोनों का कंधा देखिए बराबर ही रहेगा। तो ये आगे वाला में भी हमने ब्लाउज की लंबाई का नाप, आर्म होल और गले का शेप बना दिया है। अब इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के निशान के लिए जहाँ हमारा दोनों कंधा ज्वाइंट हुआ वहाँ से हमारा जो बेल्ट लगा है वहाँ तक हम नाप लेंगे। तो इसका जो बेल्ट है वो हमारा 11 इंच पे है, तो जितने पे आपके नाप वाली ब्लाउज में बेल्ट लगा उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो जैसे इसमें 11 इंच था तो मैं 12.5 इंच पे बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ते हैं, फिर ऊपर सिलाई में जाता है, तो वो बाद में सही आता है। तो बहुत लोग को बेल्ट का निशान लगाने नहीं आता है, तो इसी तरह से आपकी जितनी नाप वाली ब्लाउज में हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर 1 इंच में आगे लेके ऐसे थोड़ा सा गहराई का शेप दे दूंगी, फिर 1/2 इंच में ऐसे गले में लेके
गोलाई का शेप दे दूंगी। फिर मैं पीछे वाले गले में भी आधा इंच लेके से गोलाई का शेप दे दूंगी। उसके बाद आर्म होल में 1 इंच लेके से हमको गोलाई का शेप दे देना है। फिर आगे वाले में भी 1 इंच से थोड़ा सा कम लेके हमको गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ पे मैं बताई हूँ कि आगे वाले में थोड़ा गहरा रहता है जिससे कि हमारा झोल आता है वो झोल ना आए। तो ये देखिए हमने सारे निशान बहुत ही आसान तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसी आप सबके लिए वीडियो डालूं आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपके कमेंट करने से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। मैं आगे वाले पार्ट को अलग कर दूँगी, बेल्ट को और आगे वाले पार्ट को। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। देखिए हमने बेल्ट को भी इससे अलग कर लिया है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है। तो अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप जो कम कपड़ा, जैसे हमारा ये अस्तर जो आता है 80 सेंटीमीटर का आता है, तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप जो हमारा ज़्यादा साइज की बाजू है वो कैसे निकालें। तो मैं इसमें आपको एक एक करके बाजू निकालना बताऊंगी, कम कपड़े में आपको बाजू कैसे निकालना है। तो जैसे देखिए इतने कपड़े में हमारे दोनों बाजू नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम एक ही बाजू को निकालेंगे। तो ये मैंने साइड से अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया। अब हम बाजू के लंबाई का नाप लेंगे। तो जो बाजू है हमारा वो है 5 इंच का, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 6.5 पे हम ऐसे बाजू के लंबाई का निशान लगा देंगे। देखिए 6.5 पे ऐसे हम बाजू की लंबाई का निशान लगा देंगे और इसका जो गहराई होगा वो होगा 9.5 इंच और नीचे से हम 4 इंच लेंगे। तो आपको 4 इंच से कम नहीं लेना है, नहीं तो वही हमारा गला जितना भी आप लंबा लेंगे उससे छोटा पड़ जाएगा, नीचे से वो खींचने लगता है। अगर आप लोग नीचे कम लेंगे तो फिर आप लोग सोचते हैं मैंने तो बाजू का लंबाई सही लिया था, फिर हमारा बाजू छोटा कैसे हो गया। वही दिक्कत है कि आप लोग नीचे से कम कर देते हैं। तो मैं एक वीडियो आपको डिटेल पूरा बाजू का डिटेल बताऊँगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किसको किसको ये वाली वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए ये हमने एक बाजू की कटिंग कर लिया। अब मैं बताऊंगी कि अब बचे हुए कपड़े में से आप दूसरे बाजू को कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम इस बाजू को इसके ऊपर रखेंगे तो साइड में हमारा इतना कपड़ा कम पड़ रहा है दूसरे बाजू के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे हटा लेना है कि कितना हमको कपड़ा कम पड़ रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको इसके ऊपर रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हटा लेना है। देखिए इसको हमको हटा लेना है, बचे हुए कपड़े में से हमको ये कपड़ा निकाल के और नीचे इनको सिल के फिर हम इसके ऊपर बाजू को रख के बिल्कुल इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा काट के भी दिखाऊँगी, जोड़ के भी दिखाऊँगी। तो अब मैं हम आगे वाले पार्ट में प्लेट का निशान डालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम टक्स का निशान डालेंगे। तो ऊपर से 9 इंच लेंगे इसका जो टक्स पॉइंट है और 4 इंच हम गले वाले साइड से लेंगे, फिर ही हमारा टक्स पॉइंट मिल गया। अब हम प्लेट का निशान डालेंगे। तो प्लेट का निशान डालना भी बहुत आसान है। पहले आप फिटिंग का निशान डाल लीजिए 10 इंच पर। जैसे ये हमारी ब्लाउज की जो चेस्ट है 40 है तो उसका चौथाई भाग होता है 10 इंच। अब जितना हमारा बचे जैसे 10 इंच है तो उसका आधा लेना है, आपका 9 इंच है तो उसका आधा लेना है। तो पे मैं 10 का आधा 5 इंच ली हूँ और ये जो प्लेट होगा हमारा 3 इंच लंबा होगा। फिर गले वाले साइड से हमको प्लेट डालना है। तो ये हमारा प्लेट 2.5 इंच ऊपर से लगता है और 2.5 इंच लंबा होता है। तो ये दो प्लेट हमने डाल लिया है और यहाँ पर जो मैं प्लेट डालने का मेथड बता रही हूँ हर साइज में आपको ऐसे ही डालना है। फिर हम फिटिंग वाले साइड से 2.5 इंच ऊपर लेंगे और ये तिरछा प्लेट डालेंगे हम। इधर से हम तिरछा प्लेट डालते हैं और ये जो प्लेट की लंबाई होती है वो 5 इंच होती है या 5.5 इंच होती है। तो 5 इंच पे से हम ये भी प्लेट का निशान डालेंगे। फिर आर्म होल से हम 5 इंच लेंगे और यहाँ से भी एक प्लेट डालेंगे और ये जो प्लेट की लंबाई होती है वो होती है 3 इंच हमारी। तो ये हमने सारे प्लेट के निशान को डाल लिया है। अब इसको थोड़ा हम गहरा कर देंगे। तो देखिए मैंने सारे प्लेट को गहरा कर लिया है। फिर हम इसको दूसरे वाले पल्ले पे ऐसे रख के और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो हमारा उस पर भी निशान बन जाएगा। फिर उसको हम ऐसे गहरा कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीके से दोनों पल्ले पे हमारा प्लेट का निशान पड़ गया। इसको हम गहरा कर लेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों पे ऐसे प्लेट के निशान को डाल लिया है।
और ये हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसको हम मेन कपड़े को डबल फोल्ड करके इन सबको इसके ऊपर रख के और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमको मेन कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है, फिर इस पे सारे पार्ट्स को रख के कटिंग करना है। तो मेन हमारा अस्तर ही, आपको अस्तर को सही तरीके से कटिंग करना है। तो अगर आप लोग को स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करिए और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग देखिए और कमेंट करिए कि ये सब वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मैं अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट किया। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट को अपने वीडियो में लाऊँ तो आप लोग कमेंट करिए। स्पेशल थैंक्स टू यू गहना जी।